जालंधर के मॉडल टाउन निवासी हरीश सचदेवा के परिवार की ओर से 24 जुलाई से 30 जुलाई तक साईं 7 बजे से 10 बजे तक करवाई जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम होशियारपुर रोड स्थित इल्यूजियम ग्रैंड पैलेस में आयोजित समागम के दौरान दिया गया। इस अवसर पर कथा व्यास महावीर शर्मा ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस कथा के दौरान महिला मंडली ने संकीर्तन कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सांसद सुशील कुमार रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, पार्षद सुनीता रिंकू, गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। जुगल सरकार की कृपा करना से हमारे जलंधर महानगर की शोभा हमारे सचदेवा जी ने अपने मंगल भवन मंगल हारे उमा सौर अपने मंगल भवन अपने इस निवास में वेद प्राण सत भक्तों का साथ श्रीमद् भागवत महाप्राण की कथा का दिव्य आयोजन हमारे लाडले श्री महावीर शर्मा जी के द्वारा कराया और आज उसी पावन उपलक्ष में हमारी बेटी नुकुम प्यारी के दिव्य बहनों का आप हम सब ने किया। कुछ ही वर्ष पहले श्री हरीश श्री देवानंद जी हमें पत्र प्रभु के अटल विधान को मानते हुए लोग धाम को प्राप्त किए। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा घटना था और वैष्णव का जाना भी एक सहज संयोग होता है। हो सकता है वो लोग बिहारी भगवान के धाम में उनकी विशेष उनके रसिक भगवान के जन होते हैं। हरीश सचदेवा जी का परिवार एक धार्मिक परिवार है। महानगर में जितने भी धार्मिक आयोजन हो इस परिवार की बहुत बड़ी सेवा और सम्मान होता है। भगवान ने दिया हो तो ऐसे शुभ कार्यों में अपने धन को लगा करके अपने गुरुओं का पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 12वें दिन की कथा से पहले श्री देवीतला मंदिर से संध्या फेरी निकाली गई, जो कि मंदिर प्रांगण की परिक्रमा कर कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। इस मौके पर गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज, गो सेवा मिशन के स्वामी अजयानंद महाराज, गुंजन किशोरी होशियारपुर वाले और वेद पाठी आचार्य और ब्राह्मणों ने कीर्तन कर ये परिक्रमा की। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश शौंकी, साधु राम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पाठियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की। Yeah.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्र मोहन ढींगरा, दिनेश सागर ने भजन पार्टियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। उनके साथ अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वरिंदर शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बरनाला के शहर तपा मंडी में श्री शिव महापुराण कथा संघ तपा की ओर से शहर की समाज सेवी एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से दूसरी श्री शिव महापुराण 9 दिवसीय कथा अग्रवाल धर्मशाला में बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो गई। प्रसिद्ध कथावाचक श्री गिरीश नंद शास्त्री जी उत्तराखंड वालों ने इस 9 दिवसीय कथा में अपने वचनों से श्री शिव महापुराण का वर्णन करते हुए शिव भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा के अंतिम दिन प्रबंधकों द्वारा हवन यज्ञ किया गया। इसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने परिवार सहित हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान खास बात ये रही कि प्रतिष्ठित 1000 रुद्राक्ष शिव भक्त परिवारों की सुख समृद्धि के लिए वितरित किए गए। इस मौके पर गोल्डी मेहता, अनिल सिंगला, मोनित जैन, एडवोकेट दीपक बांसल, साहिल गर्ग, ओम प्रकाश मित्तल, पंकज बांसल, दीपक कुमार गर्ग सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मंच सचिव साहिल गर्ग ने कथा के संपूर्ण होने पर सभी सहयोगी समाज सेवी, धार्मिक संस्थाओं, प्रिंट एंड सोशल मीडिया और दानी सज्जनों का विशेष धन्यवाद किया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हरिओम, ओम नमो भगवते रुद्राय। दास गिरीशानंद शास्त्री की ओर से आप सभी को प्रणाम। श्रावण और श्रावण में अधिक मास 19 वर्षों के उपरांत आया है और इसी श्रावण मास में शिव की पूजा, शिव का नाम, शिव की कथा कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है ये कहने की आवश्यकता किसी को नहीं है। अपने इस वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है
कि हम शिव की महिमा को, शिव के पूजन को, शिव की भक्ति का विश्लेषण और वर्णन कर सके। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाय, वाणी केवल शिव का नाम और कान केवल शिव का भजन सुनते रहें, बस यही श्रेष्ठतम शिव के प्रति समर्पण भक्ति है। और ऐसी दिव्यता यदि हमको इस मानवीय जीवन में प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या जीवन का परम सौभाग्य हो सकता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदारे, बड़े भाग्य से हमें मानव जन और मानव जन्म में हमें शिव का नाम, शिव की कथा, शिव का धाम प्राप्त होता है। इसलिए अपने मानव जीवन की धन्यता के लिए शिव के नाम का सहारा लेते रहना चाहिए। अधिक मास चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, तपा मंडी में बरनाला क्षेत्र के अंतर्गत तपा मंडी में शिव महाप्राण संघ तपा के भक्तों ने अपने संपूर्ण श्रेय दान करके तन मन धन जैसा भी बनता है, संपूर्ण जितने भी ग्रामवासी है, क्षेत्रवासी है, भक्त हैं, शिव भक्त हैं, अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इतनी भव्य दिव्य गाथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यदि आप स्वतः अपनी आँखों से देखें तो आपको अनुभूति होगी कि वास्तविकता में धन की उपयोगिता, मन की उपयोगिता और तन की उपयोगिता एक साथ नजर आ रही है। और धन का सदुपयोग हो जाए, तन का सदुपयोग हो जाए और मन का सदुपयोग हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए सदैव अपने जीवन में भगवत स्मरण होते रहना चाहिए। यथा पुण्यम तथा भेतव, पुण्य की प्राप्ति अच्छे सत्कर्मों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जन्मांतरे भवित पुण्यम यदा भागवतम लभेत, बहुत जन्म पुण्यों के उपरांत, अनंत पुण्यों के उपरांत हमें भागवत की कथा, शिव की कथा, देवी की कथा प्राप्त होती। कथा कोई भी हो, जिन्होंने साने निके जे समय से इन्ना पंडाल विच हाजिरी लवाई अते शिव शंकर दी 10 दिन कथा सुनी, अज दसवें दिन के अंत के हवन यग होया। हवन यग तो बाद साढ़े शास्त्री पंडित गिरशानंद जी द्वारा 1 घंटे की कथा हुई। कथा के उपरंत आरती तो बाद भंडारा चलिया। सारे तपा मंडी वासियों का असं तह दिल तो धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस भंडारे के बहुत वड्डा योगदान पाया। असी सारी प्रेस मीडिया, सारे समाज सेवी और धार्मिक संस्थावां का तह दिल तो धन्यवाद करते हैं। साड़ी अग्रवाल धर्मशाला तपा कमेटी का धन्यवाद करते हैं, सना मंदिर कमेटी का धन्यवाद करते हैं, पीरखाना कमेटी तपा का धन्यवाद करते हैं और होर भी जिन्हें समाजिक संस्थावां ने, धार्मिक संस्थावां ने, सारिया संस्थावां का असीं तह दिलों धन्यवाद करते हैं। इस तों इलावा कावड़ संघ तपा उन्होंने भी सीता जिनको धन्यवाद करते हैं, शिव भोले कावड़ संघ तपा जिन्होंने जुटे की सेवा की। इस तो इलावा साडे संत गणा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हर दिन इस पंडाल के हाजिरी लवाई और साडे मैंबर आशीर्वाद दिता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर में प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस शिविर में राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मखमली ईश्वरी विश्वविद्यालय आदर्श नगर वालों श्री देवी तलाब मंदिर के आंगन हर इतवार शाम 4:30 तो 7:30 तक एक अध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिस विच परमात्मा बारे, परमात्मा कौन है, परमात्मा ने किस तरह याद करना है, आत्मा बारे भी दसिया जाता है और राजयोग के द्वारा किस तरह आत्मा को उस परमात्मा के नाल मिलाना है इस बारे भी दसिया जाता है और नशा मुक्ति बारे भी बताया जाता है। इसलिए यह जी प्रदर्शनी है श्री देवी तलाब मंदिर के प्रधान श्री शीतल विद जी और उन्होंने सारे मैंबर के सहयोग के नाल लगाई जाती है। आप जी ने बेनती की जाती है कि तुम अपना कीमती समा कट के श्री देवी तलाब मंदिर के आंगन में पधारो और नाल ही इस प्रदर्शनी का लाभ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है।
जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। सर्वदेवी श्री गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम दयालु माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर में इन दिनों पुरुषोत्तम मास का सुंदर सोसर श्रवण मास के इस पावन पर्व पर सर्वदेवी गौ माता की सेवा रक्षा हो। हम सबके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति देश के प्रति प्रेम हो, भागवत चरणों में प्रीति हो, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के परम दयालु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवत आराधना मंच दिनांक 3 जुलाई से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा है। कोई ये भी कहेंगे कि इतने दिन ये सत्संग का इतना लंबा सत्र रखने का क्या लाभ है, तो हमने महापुरुष सुना है जो स्वामी जी कहते हैं, बहु काल करिए सत्संग है। ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, हर वेले हर अंदरों ही पाले, हर वेले हर अंदरों ही पाले, जंगला चौकी टोलना, ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, ओ मन विच मन मोहन बसाला मंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना। रात जो तड़क दाए, रात जो तड़क दाए, देख तेरा दिल दिन रात जो तड़क दाए, रात जो तड़क दाए, एक एक पाप तेरे सीने च रड़क दाए, सीने च रड़क दाए, एक एक पाप तेरे सीने च रड़क दाए, सीने च रड़क दाए, एनु शीशे वांग साफ तू बना ले, जंगला चौकी टोलना, मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, हर दिल हर अंदरों ही पाले, हर दिल हर अंदरों ही पाले, के जंगला चौकी टोलना, ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, ओ जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, सारे काम छड्ड दे तो ओदी जिम्मेवारी उत्ते, ओदी जिम्मेवारी उत्ते, सारे काम छड्ड दे तू ओदी जिम्मेवारी उत्ते, ओदी जिम्मेवारी उत्ते, जी
जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उते कृष्ण मुरारी उते जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उते कृष्ण मुरारी उते सारे काम छड दे तू ओदी जिम्मेवारी उते तू ओदी जिम्मेवारी उते जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उते जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उते जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उते ओ फिर धन्ने वांगू फिर धन्ने वांगू नौकर बना ले फिर धन्ने वांगू नौकर बना ले जंगल जो की चलना मन बिच मन मोहन बसा ले मन बिच मन मोहन बसा ले जंगला जो की टोलना जंगला जो की टोलना हर वेले हर अंदरों ही पाले हर वेले हर अंदरों ही पाले जंगला जो की टोलना जंगला जो की टोलना होशियारपुर जिला पुलिस की ओर से बीते दिनों रामपुर हलेड़ दसुहा के नजदीक सोना सप्लाई करने वाले एक कर्मचारी से 295 ग्राम सोना व लाखों की नकदी की हुई लूट के महज 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। इस संबंधी पुलिस लाइन होशियारपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एसएसपी सरताज सिंह चाल ने बताया कि भरत सैनी निवासी खेड़ला थाना पलानी जिला झुंझुन राजस्थान ने थाना दसुहा पुलिस को बयान दर्ज करवाया था कि वह मां भवानी लॉजिस्टिक कंपनी चंडीगढ़ में सोना सप्लाई करने का काम करता है। उसने सोने का पार्सल अतुल वर्मा पुत्र विजय वर्मा सहदेव ज्वेलर तलवाड़ा को होशियारपुर बस स्टैंड में डिलीवर करना था। भरत ने बताया कि जब वह अतुल के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर तलवाड़ा जा रहा था तो रास्ते में रामपुर हलेड़ दसुहा के नजदीक दो अज्ञात नौजवान गाड़ी के आगे अपनी एक्टिवा लगाकर उसको मारने की धमकी देकर सोना व पैसे वाला बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की इस पूरी घटना के बारे में भरत सैनी व अतुल वर्मा ने मौके पर पहुंचे दसुहा पुलिस को बताया, जिसके बाद उक्त मुकदमे को ट्रेस करने के लिए एसपी होशियारपुर सरबजीत सिंह भाईया की निगरानी में डीएसपी सब डिवीजन दसुहा बलबीर सिंह व मुख्य अधिकारी थाना दसुहा इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें पूछताछ के बाद पुलिस ने अतुल वर्मा व उसके वर्कर की ओर से ही अपने आप बनाई हुई सारी कहानी का पर्दाफाश कर अतुल वर्मा से 295 ग्राम सोना जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए, मौके पर एक्टिवा से लूट करने वाले दिनेश कुमार से 14,60,000 रुपए सहित वारदात में प्रयोग की गई कार और काले रंग की बिना नंबर की एक्टिवा को बरामद किया है। इनके तीसरे साथी को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों का पुलिस रिमांड हासिल कर और पूछताछ की जाएगी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की। 30 जुलाई 2023 नूं जी दसुआ दे विच्चों एक खो हुई सी जिथे कुछ कैश ते गोल्ड एक जिहड़ा साडा कंप्लेनेंट हैगे मिस्टर भरत सैनी उन्हां तों खो ले गए सीगे। ओह चंडीगढ़ विच कम करदे ते इत्थे अपनी डिलीवरी करन आए सीगे ते जदों उन्होंने पहली डिलीवरी करन तो बाद जदों दूसरी थां ते जा रहे सीगे अपने नोन परसन दे नाल ते उन्हां दी जिस गड्डी चों जा रहे सी उन्हां उस नूं रोक के ते दो लोगों ने एक्टिवा ते आके गड्डी रोकी ते उस ते बाद उहदे विच्चों सोना ते कैश खो कर ले। उस तों बाद जदों इंटीमेशन दसुआ पुलिस नूं आई तां इमीजिएटली टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कीती गई आ ते 12 घंटे तों घट विच नाले तां बंदे फड़ ले गए जिहड़े अक्यूज सीगे, नाले उन्हां तों एक गड्डी ते जिहड़ा टू व्हीलर सी ओह रिकवर कर लिया गया, प्लस जिहड़े गोल्ड ते कैश सी ओह वी रिकवर कर लिया गया। एक FIR नंबर 155 दसुआ थाने दे विच दर्ज रजिस्टर की गई ते हुण अग्गे तफ्तीश की जाऊगी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਅਰਾਊਂਡ 14 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਆਲਮੋਸਟ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ
हिरासत में जैसे लिया है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हाले तक सामने नहीं आया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर सुनाम में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में एक नौजवान की मिली लाश, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। जालंधर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले दो पढ़े लिखे नौजवानों को किया गिरफ्तार। 7 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 4 आईफोन व नकदी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।